दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि साइबर ठकंक प्रादुर्भाव। आजिकालि जुगरे अनेक समय रे जनसाधारण साइबर ठकेर शिकार हेउथिबार नजर आसुछि। चोर ठारो पुलिस जेते चालाक भावे काम कले मध्य सबु बेले चोर पुलिस को भुआ बनै ता काम हासिल करनिउछि। पुलिस जेते सजाग हेले मध्य तांको आखिरि धूलि दे चोर लूट करि चालुछि। एपटे राजधानी समेत राज्यर विभिन्न स्थान रे साइबर ठकंक अपराध बढ़ी बढ़ी चली। विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखा निरीह जनता लूट कर चलती साइबर ठक जनसाधारण को मिछ प्रलोभन मिछ धमक और किसी लोभन अर्थराशि कही साइबर ठक ठकी ने लक्ष लक्ष टंका। से ही भले पुओ ड्रग्स मामलें धरा पड़ा कही शिक्षक बापा ठारु 50,000 टंका ठकी नेले नकली सीबीआई ऑफिसर। एभली अभिनव ठकेर शिकार होती केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका थाना अंतर्गत काटणा गाँवर शिक्षक जशोवंत पलाई। गत 27 तारीख दिन 10:45 समय रे एक अजणा नंबर रु तंग मोबाइल फोन को कॉल आसीथिला। ठक जणक निजकु सीबीआई ऑफिसर रो परिचय दे कथा होइथिला। तबे कथा हेबा समय रे एही नकली सीबीआई ऑफिसर पुओ जयप्रकाश पलाई केउठारे पाठ पढ़ुछि ताहा मध्य कहि देथिला। तम पुओ ओ तार तीन जण सांग ड्रग्स नेबा सह ड्रग्स कारोबार रे संप्रुक्त थिबारु आमे ताकु सीबीआई कस्टडी को आनिछु आउ ताकु कोर्ट फॉरवर्ड करिबु बोली कहिथिला नकली सीबीआई ऑफिसर। शिक्षक नकली सीबीआई ऑफिसर को ठारु एसबू सुनिबा परे पुओ को फोन देबा को कहिबारु पुओ को माड़ मारुथिबार चित्कार बारंबार सुनाई मानसिक निर्यातना देथिले। परे पुओ को छाड़िबा पाई नकली सीबीआई ऑफिसर 50,000 टंका दाबी करथिले। शिक्षकों पुओ जणे मेधावी छात्र एवं टंका नदिले तांको जीवन बर्बाद होइजिव। एसबु शुणा पर व्यतीव्यस्त हो शेषे शिक्षक जनक दुईटी किस्ती 25,000 टंका लिखाई देते किंतु इतिकी शांति ना लुटेरार मन। यह नकली सीबीआई ऑफिसर आहुरी 2,00,000 टंका दाबी करथिला किंतु परे पुओ जयप्रकाश को सह कथा हेबा परे शिक्षक जशोवंत ठकेर शिकार होता जानवाक पाइले। एने राजकनिका थाना से लिखित भाव अभियोग कर तेबे पुलिस वर्तमान ही घटनार तदंत आरंभ करिछि। आजिकाली साइबर अपराधी माने अनेक प्रकार प्रलोभन देखाई मिछ धमक दे विभिन्न तरिकार लोकमानंकु लूटी चलिछन्ति जहाँ फलरे साधारण लोकटी सबु किछि हराई निराश होई शेषरे साइबर थानार द्वारस्थ हेउछि। तेबे केतक क्षेत्र रे लोक टंका फेरी पाउथबा बेले अधिकांश क्षेत्र रे टंका आउ फेरी पाउनांति तेणु निजे सजाग रहिबा निहाती जरूरी। आलेरू निरंजन बेहरा रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।